एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में युवा को कुशल, प्रशिक्षित और उद्यमी बनाने में प्रयासरत है। एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कृषि से संबंधित 19 उपक्षेत्रों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत विभिन्न योग्यता पैक अर्थात क्वालिफिकेशन पैक विकसित किए हैं, जिनमें से आज हम खेत के मशीनीकरण और परिशुद्ध खेती अर्थात फार्म मैकेनाइजेशन और प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इस उपक्षेत्र में दक्षता के लिए लगभग 20 जॉब रोल बनाए गए हैं। आज हम इन्हीं में से एक जॉब रोल ट्रैक्टर ऑपरेटर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियों की। विभिन्न कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर संचालन करना, कार्य के अनुसार अतिरिक्त मशीनरी और उपकरणों का उपयोग करना, ट्रैक्टर की बुनियादी मरम्मत और रखरखाव करना। अब जानते हैं कि आप इस कोर्स को करके क्या सीखेंगे। मॉड्यूल 1 के अंदर ट्रैक्टर ऑपरेटर की भूमिका, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में खेत संचालन के लिए ट्रैक्टर का उपयोग और उसकी मरम्मत और रखरखाव करना, मॉड्यूल 4 के अंदर रोजगार और उद्यमशीलता प्रथाएं, मॉड्यूल 5 के अंदर कार्यस्थल पर प्रभावी संचार, मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 7 के अंदर स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान। इस जॉब रोल में नामांकन करने की पात्रता मानदंड कुछ इस प्रकार है। 12वीं पास या ITI या 6 महीने के प्रासंगिक अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त निकाय से संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा, 10वीं पास 1 वर्ष के अनुभव के साथ, 8वीं पास के साथ 3 साल का प्रासंगिक अनुभव, NSQF स्तर 4 फसल उत्पादन या बागवानी के संबंधित प्रमाण पत्र के साथ 6 महीने का प्रासंगिक अनुभव, NSQF स्तर 3 खेत कार्यकर्ता का प्रमाण पत्र के साथ 2 साल का प्रासंगिक अनुभव। इस प्रशिक्षण की अवधि 384 घंटे है। करियर की प्रगति। निर्धारित मानदंडों के अनुसार ट्रैक्टर ऑपरेटर के इस लेवल 4 कोर्स में सर्टिफिकेट प्राप्त करके आप अपने कस्टम हायरिंग सर्विस प्रोवाइडर लेवल 5 और फार्म वर्कशॉप सर्विस मैनेजर लेवल 6 के लिए अप्लाई कर अपग्रेड कर सकते हैं। योर जॉब रोल आपको ट्रैक्टर ऑपरेटर संबंधित कंपनियां जैसे जॉन डेयर, एस्कॉर्ट्स ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड आदि कंपनियों में रोजगार प्राप्त करवा सकता है। आप सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके तहत सरकार 50-80% सब्सिडी प्रदान करती है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से आज ही संपर्क करें।